वेलकम, जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। मैं गुरकीरत कौर आज आप सभी एमएनएस एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही वंडरफुल टॉपिक लेके आई हूँ। ये टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज ऑफिसर एंड अ सिविलियन नर्स। क्योंकि स्टूडेंट्स, आप लोग एक ऐसे पड़ाव में है अपनी लाइफ के जहाँ पे राइट डिसीजन मेकिंग बहुत मैटर करता है। तो मैंने सोचा सभी एमएनएस एस्पिरेंट्स जो कि एस्पायर करते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में एज अ मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज ऑफिसर बनना, उनके लिए ये टॉपिक बेहद ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या डिफरेंसेस होते हैं एक्चुअली एक एमएनएस ऑफिसर यानी कि एक आर्मी की नर्स में या इंडियन आर्म्ड फोर्सेज की नर्स में और साथ ही साथ में एक सिविलियन नर्स में। राइट स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ में अपने थॉट्स जरूर शेयर करिए, बिकॉज मैं हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ नए टॉपिक्स, इनोवेटिव टॉपिक्स के ऊपर कवर करती हूँ वीडियोस को। और अपनी वीडियोस के थ्रू मेरा एक मोटिव रहता है कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट की जाए इंडिया में, बिकॉज ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपको बहुत ही ज़्यादा रिवॉर्डिंग रिजल्ट्स देता है और अपॉर्चुनिटीज़ देता है अपनी लाइफ में नया अकम्प्लिश करने में। ऐसे ही और वीडियोस में लाती रहूंगी। मेरे अगर आपने और वीडियोस नहीं देखे अभी तक जो कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की सैलरी, नीट वर्सेस एमएनएस और ऐसे काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे मैंने वीडियोस बनाए हैं, जरूर चेक करेगा प्लेलिस्ट से। तो आइए आज का वीडियो पहले शुरू करते हैं। अगर हम बात करते हैं नर्सिंग की, तो नर्सिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे एक केयर ऑफ इंडिविजुअल्स होता है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, परिवार का हो, ग्रुप का हो, कम्युनिटी का हो। बिकॉज नर्सिंग का एक बेसिक मोटिव होता है कि जो बीमार है, सिक है या फिर जो वेल है, उन दोनों की वेलबींग को देखना है। बेसिकली नर्सिंग इंक्लूड्स प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस, केयर ऑफ ऑल द इल, डिसेबल्ड एंड डाइंग पीपल। सो अगर हम बात करें एक नर्स से, तो नर्स से हमेशा कंपैशन की उम्मीद होती है, काइंडनेस की उम्मीद होती है, क्योंकि नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि अपने आप में एक नोबल प्रोफेशन है। मोरओवर, डॉक्टर्स के साथ में, असिस्टेंट में पेशेंट्स को डील करना, उन्हें हेल्प करना एक बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेज्ड वर्क हो जाता है। अगर मैं नर्सिंग करियर की बात करूँ, तो नर्सिंग करियर आप दो तरीके से परस्यू कर सकते हो, या तो एक सिविलियन नर्स बनके या फिर एक मिलिट्री नर्स बनके। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ डिफरेंस बिटवीन बोथ द टू। वैसे तो अगर हम एमएनएस ऑफिसर्स की बात करें या फिर सिविलियन नर्सेस की बात करें, दोनों का बेसिक मोटिव तो यही है कि डायरेक्टली पेशेंट की केयर करना है। सिमिलर काइंड ऑफ टास्क होते हैं, उन्हें परफॉर्म करने होते हैं, वैरायटी ऑफ डिसीजेस होते हैं, मेडिकल कंडीशंस होती हैं, इंजरीज होती हैं, दो उसके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो सिमिलर होते हैं, बट द काइंड ऑफ वर्क, द एनवायरमेंट वो डिफर करता है। ऑल्दो हर एक पर्टिकुलर जॉब जो होती है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होती है दोनों की, दो इसमें जो बेसिक एजुकेशन की बात कर लूँ, सैलरी की बात कर लूँ, बेनिफिट्स की बात कर लूँ, वर्क एनवायरनमेंट की बात कर लूँ, ये सिग्निफिकेंटली डिफर करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने 6 पॉइंट्स कवर किए हैं। अगर और भी आप जानना चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो यदि हम एक एमएनएस ऑफिसर की एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को देखें, तो एमएनएस ऑफिसर्स सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही होते हैं। मोरओवर, क्लास 12th में आपके बायो होना चाहिए है, साथ ही साथ में 50% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए हैं, एंड एक एज लिमिट भी होती है, दैट इज़ 17 to 24 years ऑफ एज लिमिट के बीच में होने चाहिए हैं, तभी आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का पार्ट बन पाते हैं। और साथ ही साथ में एक बार में ही आपकी 12th विदाउट बैकलॉग कंप्लीट होनी चाहिए। अगर इसके कॉन्ट्ररी हम सिविलियन नर्सेस की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी आपकी जो क्लास 12th है विद पीसीबी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है विद 50% मार्क्स, बट यहाँ पे कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। आप किसी भी उम्र में अगर आपको सिविलियन नर्स बनना है, आप नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। मोरओवर, गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पे एज का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, सो देयर इज डिफरेंट तरीके से आपका जो एडमिशन प्रक्रिया होती है वो दोनों के लिए ही कंडक्ट कराई जाती है। मोरओवर, एमएनएस में बिल्कुल भी एज रिलैक्सेशन नहीं है, जबकि आपके सिविलियन नर्सेज में एज रिलैक्सेशन अच्छा खासा होता है। आप किसी भी उम्र में इस प्रोफेशन को आप परस्यू कर सकते हैं। अब मैं बात करने वाली हूँ दूसरे टाइप के एस्पेक्ट के बारे में, दैट इज पेशेंट टाइप्स। नाउ मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर्स, बिकॉज आप आर्म्ड फोर्सेज का पार्ट होते हैं, राइट, द इलाइट सर्विसेज इन इंडिया,
सो बेसिकली यहाँ पे आपको जो डील करना होता है वो सोल्जर्स से करना होता है जो कि कॉम्बैट में इंजर किए होते हैं, मिलिट्री पर्सनल्स होते हैं जो सर्व करते हैं भारत को, साथ ही साथ में उनकी जो फैमिलीज होती हैं, मोरओवर जितने मिलिट्री रिटायर्स होते हैं, जो रिटायर्ड मिलिट्री के लोग होते हैं उनको आप सर्व करते हैं। अगर हम बात करें आपके सिविलियन नर्सिंग ऑफिसर्स की, तो सिविलियन नर्सिंग के जो नर्सेज होते हैं बेसिकली उनको सिविलियन लोगों को सर्व करने का मौका मिलता है, लेकिन ये भी हम आपको बता दें कि वो सारी चीज़ें, बिकॉज नर्सिंग के दौरान आप पेशेंट्स की पीड़ा को देखते हैं, उनके दुख और दर्द को समझते हैं, लेकिन अगर हम एमएनएस ऑफिसर की बात करें तो वो ज़्यादा ट्रॉमा, ज़्यादा ये सब चीज़ें फेस करते हैं, बिकॉज वो एक ब्रॉडर लेवल पे फील्ड वर्क पे जाके ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, तो वो जो एक्सपोजर होता है कहीं ना कहीं मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का वो कॉम्बैट साइड में ज़्यादा जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा एक्सपोजर उन्हें ज़्यादा मिलता है। मोरओवर अगर हम मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की बात करें और अगर हम बात करने वाले हैं सिविलियन नर्स की, तो यहाँ पे अगर वर्क कंडीशंस की बात कर ली जाए तो जो एमएनएस ऑफिसर है उसका जो वर्क कंडीशन होता है बेसिकली वो एक मिलिट्री हॉस्पिटल, जिसको कि कमांड हॉस्पिटल्स बोलते हैं, या एक मिलिट्री क्लिनिक होता है, फील्ड हॉस्पिटल हो सकता है, या फिर एक ऑपरेटिंग रूम हो, या पोस्ट सर्जिकल यूनिट में, रिहैबिलिटेशन यूनिट में, इस तरीके से उसकी जो बेसिक पोस्टिंग आप कह सकते हो वो ऐसी जगह है जहाँ पे सोल्जर्स होते हैं, राइट, जहाँ पे बेसिकली आपके मिलिट्री से रिलेटेड जो भी प्लेसेस हैं वहाँ पोस्टिंग्स होती हैं, सो दैट वो उस एरिया को कंट्रोल करके वहाँ अपनी सर्विसेज दे सके। वॉर टाइम सिचुएशंस हो, टेंस सिचुएशंस हो बॉर्डर्स पे, एवरीवेयर देयर इज दिस प्रिवेलेंसी ऑफ द मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ऑफिसर्स। बात करें सिविलियन नर्सेस की, तो सिविलियन नर्सेस को हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, अर्बन या फिर रूरल एरियाज में वर्क करना होता है, मोस्ट प्रोबेबली ये डॉक्टर्स के साथ ऑफिसर्स में वर्क करते हैं या फिर होम केयर्स या स्कूल्स में भी परफॉर्म करते हैं, होम केयर्स में पर्सनलाइज्ड नर्सेस के फॉर्म में। अब हम बात कर लेते हैं बेनिफिट्स की। अगर मैं नर्सिंग के बेनिफिट्स बताऊं तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में, बिकॉज आप ऑफिसर्स होते हैं तो आपको इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस, कैंटीन फैसिलिटी, फूडिंग मेसिंग फैसिलिटीज़ जैसी बहुत सारी तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं। मोरओवर जब आप एक सिविलियन नर्स होते हैं तो आपको अपने जितने भी इंश्योरेंस हैं, अपने जितने भी बेसिक एक्सपेंडिचर हैं, वो आपको खुद से मैनेज करना होता है, दो देर आर सर्टन ऑर्गेनाइजेशंस। अगर एज अ सिविलियन नर्स आप अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं तो वहां पे देख डू टेक केयर ऑफ सर्टन थिंग्स, बट मोर और लेस आपको खुद ही जिम्मेदारी लेनी पड़ती है अपनी। अगर हम बात करें मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के अदर बेनिफिट्स की, तो यहाँ पे बेसिकली एक नर्स जब रिटायर होती है वो अपने फुल बेनिफिट्स के साथ में रिटायर होती है। मोरओवर एक सिविलियन नर्स किसी भी ज़्यादा सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के लिए यू नो लाइबल नहीं होती है, इवन चाहे वो 60 ईयर्स की हो जाए, बिकॉज आपकी जिम्मेदारी खुद की हो जाती है, राइट। मोरओवर एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में देर इज अ जॉब सिक्योरिटी विच इज नॉट देयर इन द सिविलियन लाइफ। अगर एमएनएस की बात करें तो भले आपकी पोस्टिंग एक जगह से दूसरी जगह हो जाए, आपका वर्क चाहे जो भी हो, आपकी जो पेमेंट है वो कम नहीं होगी, मोरओवर आपके वर्क के अकॉर्डिंग वो बढ़ती ही है जब एड ऑन होते हैं वेरियस काइंड्स ऑफ अलाउंसेस एंड एवरीथिंग। अगर हम सिविलियन नर्स की बात करें, बाय चांस इफ देयर इज अ चेंज इन द लोकेशन, देयर मे बी अ चेंज इन द सैलरी, द बेनिफिट्स एंड द पे स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर नर्स इज वेल, राइट। अब अगर हम आगे बात करें एक और मेजर डिफरेंस के बारे में, तो यह है अपॉर्चुनिटीज फॉर एडवांसमेंट। अगर हम नर्सिंग सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली जब एक नर्सिंग प्रोफेशन में एक कैंडिडेट जाती है तो वो एक ऑफिसर बन जाती है, जबकि एक सिविलियन नर्स स्टाफ नर्स के फॉर्म में ही बुलाई जाती है। मोरओवर एमएनएस ऑफिसर्स रेगुलर इंटरवल्स पे प्रमोट होते हैं, जॉइनिंग लेफ्टिनेंट से होती है, फिर कैप्टन, फिर मेजर, सो दे हैव दीज काइंड ऑफ यू नो रैंक स्ट्रक्चर जो कि इंक्रीज हो रहा होता है और काफ़ी मोटिवेटिंग लगता है। मोरओवर अगर हम सिविलियन नर्सेज की बात करें तो इनका जो एडवांसमेंट है वो बेस्ड होता है इनके जॉब पे, इनके सीनियोरिटी लेवल्स पे, इनके कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, तो ये सारे कुछ बेनिफिट्स या पैरामीटर्स हैं जो इनको डिफरेंशिएट करते हैं। अब अगर हम बात कर लेते हैं मेकिंग अ चॉइस की, राइट, सो एमएनएस ऑफिसर्स जो हैं बेसिकली वो सर्विस करते हैं कॉम्बैट जोन्स में, एंड इनकी जो जॉब होती है, मैं आपको बोलूं कि स्लाइटली ज़्यादा पर्सनल रिस्क होता है, मोरओवर स्लाइटली ज़्यादा स्ट्रेसिंग होती है, क्योंकि आप 24/7 ऑन जॉब में होते हैं, दो आप 24 घंटे काम नहीं कर रहे होते हैं, बट यू हैव द स्पेसिफिक सेट स्केड्यूल्ड होता है आपका, राइट, यू कैन नॉट जस्ट बिहेव लाइक अ नॉर्मल सिविलियन पर्सन कि आप अपने हिसाब से चीज़ें करें, एवरीथिंग इज एज पर दी SOPs, तो उसके अकॉर्डिंग आप वर्क कर रहे होते हैं, इतने बड़े लेवल पे वर्क कर रहे होते हैं जहाँ यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर आंसरेबल फॉर योर
undertakings. Moreover, civilian nurses have the freedom and control for their daily activities kahin na kahin, right? So basically, this was all about the six differences about the military nursing services and the civilian nurses students. Now talking about differences, bahut sare hain. Aur agar aapko jaane, so definitely I can cover it in my upcoming videos. So agar ek final analysis ki baat kare, ye aapke individual level pe aur aapke preference pe, aapke circumstances pe depend karta hai ki aap ek military nursing officer banna chahte hain या फिर एक सिविलियन नर्स में जाना चाहते हैं. दोनों की पढ़ाई लगभग एक जैसी होती है. ट्रेनिंग पैटर्न डेफिनेटली डिफर करेगा, बिकॉज एक तरफ आपको फौज के लिए ट्रेन किया जाता है, दूसरी तरफ आप सिविल लाइफ के लिए ट्रेन हो रहे होते हो. थर्ड पेज बेनिफिट्स पर्क्स में डिफरेंस होता है, लाइफ स्टाइल में डिफरेंस होता है. सो देर आर सर्टन थिंग्स जो कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज को कहीं ना कहीं मोर वेटेजफुल, मोर अट्रैक्टिव एंड ल्यूक्रेटिव बनाती हैं आज के यूथ के सामने इन कंपेरिजन टू द सिविलियन नर्सेज. बिकॉज मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में एज अ नर्स यू गेटिंग द ऑथर ऑफ दैट ऑफिसर, राइट? सो वाई विल एनी पर्सन not, you know, think of becoming an officer and joining the elite services. So the decision is all in your hands. So for all the MNS aspirants, those who want to join MNS in 2021 or in the coming years, I feel ye video aapke liye kafi motivation booster raha hoga. Aise informative videos main aapke liye aur lati rahungi. Lekin uske liye aapko ek kaam karna hai. Agar channel ko subscribe nahi kiya to zarur subscribe kare, video ko like kar de students, aur acha lagta hai to share kar do bhai. Aapke baki friends bhi dekhe aur unhe bhi thoda sa motivating lage इस तरीके के वीडियोस देखते हैं. और अपने कमेंट्स जरूर शेयर किया करें, आपके कमेंट्स मेरे लिए पर्सनली बहुत वैल्यूएबल होते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स. जय हिंद.